एवरीवन, क्लास 7 साइंस, चैप्टर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। वी ऑलरेडी हैड कवर्ड मेनी टॉपिक्स, सो टुडे आवर टॉपिक इज द हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट पम्प्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। हार्ट एक ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसका काम होता है ब्लड को पंप करके ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करना। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, और ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। इट्स लोअर पार्ट इज ए लिटिल टिल्ड टूवर्ड द लेफ्ट। इसका जो लोअर पार्ट होता है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स विथ प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं और इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पाए जाते हैं, जो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए ये आपस में चार चैम्बर्स में बटे हुए रहते हैं। द आर्ट्रिया और अपर चैम्बर्स कंटेन द ब्लड विथ नो ऑक्सीजन। आर्ट्रिया और ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उनमें ऐसा ब्लड पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। द वेंट्रिकल्स और द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। वेंट्रिकल्स और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है। द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ आर इंडिविजुअली डिवाइडेड विद इन देमसेल्फ इंटू टू चैम्बर्स। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हैं इंडिविजुअली दोनों डिवाइडेड होते हैं टू चैम्बर्स में विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड द एरोटा बिगन्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ हमारी जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको एरोटा एरोटा बिगन्स कहते हैं। द राइट आर्ट्रियम ऑफ द बॉडी रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेन्स कॉल्ड द वेना कावा। और जो हमारी राइट आर्ट्रियम होती है, राइट आर्ट्रियम में हमारी बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है किसके थ्रू, एक वेन्स होती है वेना कावा, उसके थ्रू। वेना कावा जो होती है सबसे लार्जेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी में, आप देख सकते हो हार्ट का स्ट्रक्चर। ये राइट आर्ट्रियम हो गया, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉल्व है, आप देखिए राइट, ये पल्मोनरी वॉल्व है। ये पतले पतले मेम्ब्रेन्स होती हैं जो क्या करती हैं, पतली पतली दीवार जैसी होती हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकने का काम करती है। ये ट्रिपुसिट वॉल्व है, आप देख सकते हो, ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स दोनों के बीच में होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मिट्रियल वॉल्व है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। एरोटिक वॉल्व आपका यहाँ पर है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है। अब पल्मोनरी वेन जो होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में, हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है, ठीक है। तो ये आपका है, एक बार फिर से समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को। हार्ट इज़ एन ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट पम्प द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। हार्ट एक ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है ब्लड को पम्प करके ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट करना। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। इट्स लोअर पार्ट इज़ द लिटिल टिल्ड टूवर्ड द लेफ्ट। इसका जो लोअर पार्ट होता है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। द हार्ट इज़ डिवाइडेड इंटू फोर चैम्बर्स। हमारा हार्ट जो होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, चार चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। चार चैम्बर्स में हमारा हार्ट बटा हुआ रहता है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। फिर आपका है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। हार्ट में क्या होता है, चार चैम्बर्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से आपस में मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे से प्रिवेंट करता है ये चैम्बर्स। आर्ट्रिया एंड अपर चैम्बर्स कंटेन द ब्लड विथ नो ऑक्सीजन। आर्ट्रिया और जो अपर चैम्बर्स होते हैं ब्लड कंटेन द ब्लड विथ नो नो ऑक्सीजन। द वेंट्रिकल्स और द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। और जो वेंट्रिकल्स और लोअर चैम्बर्स होते हैं वो ऐसे ब्लड को कंटेन करते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और जो आर्ट्रिया और अपर चैम्बर्स होते हैं वो ऐसे ब्लड को कंटेन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है।
आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं आपस में इंडिविजुअली डिवाइडेड होते हैं देन सेल्व इंटू द टू चैम्बर्स विद द हेल्प ऑफ वाल्व्स। वाल्व्स की हेल्प से आर्ट्रिया और वेंट्रिकल आपस में भी दो अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स द बिगेस्ट आर्टरीज, आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एक बिगेस्ट आर्टरी निकलती है जिसको बोला जाता है लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी कॉल द एरोटा। अब एरोटा देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से आपका रेड कलर का ये एरोटा है जो बाहर निकलती है, सबसे बड़ी आर्टरी जिसको कहा जाता है। द राइट आर्ट्रियम ऑफ द बॉडी रिसीव, और राइट आर्ट्रियम में देखिए, राइट आर्ट्रियम में हमारी बॉडी जो रिसीव करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेन्स, वेन्स होती है वेना कावा, वेना कावा के थ्रू आप देख सकते हो वेना कावा जो होती है बॉडी की सबसे बड़ी वेन होती है, लार्जेस्ट वेन होती है, जिसके थ्रू राइट आर्ट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट हमारा रिसीव करता है। ये रहा आपका हार्ट का डायग्राम, आप देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इन दोनों के बारे में हमने कल ही पढ़ा था। मिट्रियल वाल्व्स, एरोटिक वाल्व्स, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वाल्व एंड ट्रिस्प्यूट वाल्व, इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों जो वेन्स होती है इन दोनों वेन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट आर्ट्रियम में आता है। अब आता है ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट कैसे होता है, राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ, अब ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, यहाँ पे ब्लड का चार्ट दिया है, फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कैसे होता है, एरोटा, एरोटा से कहाँ जाता है बॉडी टिश्यू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, फिर सुपीरियर से इंफीरियर वेना कावा, राइट आर्ट्रियम, डिस्प्यूट वॉल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी सेमिनर वेलक्रम, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, लंग टिश्यू, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, बाइस्क्यूब वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटिक सेमिनर, आप देख सकते हो ब्लड का थ्रू कैसे होता है। अब आता है हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होती है, द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू एज इट पंप द ब्लड इन द आर्टरीज। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कंटिन्यू रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलती रहती है एज इट पंप द ब्लड इन द आर्टरीज, इसलिए चलती रहती है क्योंकि हमारा हार्ट क्या करता है आर्टरीज में ब्लड को पंप करता रहता है। द रिथमेटिक कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द हार्ट बीट, और ये रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती रहती है हार्ट की उसी को हार्ट बीट कहा जाता है। द स्टेटोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन, स्टेटोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किसी भी पर्सन की हार्ट बीट को सुनने के लिए किया जाता है। इट एम्पलीफाइज द हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन मोनिटर इट एंड फाइंड आउट अबाउट द पेशेंट कंडीशन, ये क्या करता है हार्ट बीट को एम्पलीफाइज करता है जिससे डॉक्टर मोनिटर करता है पेशेंट की कंडीशन को। इट कंटेन टू ईयर पीस, इसमें दो ईयर पीस होते हैं ऊपर आप देख सकते हो, आर ट्यूब दैट कनेक्ट, इसमें एक लंबी ट्यूब होती है जिससे चेस्ट पीस कनेक्ट होता है कंप्रेसिंग ऑफ द सेंसिटिव डायफ्राम। आप स्टेटोस्कोप का स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर बेल दिया, डायफ्राम दिया, ट्यूबिंग दिया, बाई न्यूरल स्प्रिंग दी हुई है, बाई न्यूरल ये पूरा दिया है, ईयर पीस दिया है, तो इस तरह से स्टेटोस्कोप का यूज़ किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक हार्ट का स्ट्रक्चर मैकेनिज्म समझाने के लिए एक वीडियो और सेंड करूँगी, उसको भी आप देखिएगा। सो ऑल्सो यू रीड योर बुक ऑल्सो एंड लर्न प्रिपेयर रीड ऑल्सो, उसको भी अच्छे से रीड करिएगा, बुक में भी आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है हार्ट का, हार्ट के स्ट्रक्चर को आपको कॉपी में बनाना भी है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का आपका स्ट्रक्चर बनाया था कॉपी में, हार्ट के स्ट्रक्चर को भी आपको कॉपी में बनाना है, इसका डायग्राम आपके बुक कॉपी में होना चाहिए, बुक में डायग्राम दिया गया है हार्ट का, यू ऑल्सो ड्रॉ इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।